प्रॉब्लम तो नहीं है लास्ट लेक्चर के जी अंदर। नहीं सर, ओके ठीक ओके हम जी आज हम है, ये वाला टॉपिक जो है अलहमदुलिल्लाह। वो टॉपिक हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। रिगार्डिंग के हमने स्टार्ट किया था कि हाउ वी कैन मॉडल द इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन, मीन कि आपने किस तरीके से डिटरमिन करना है कि जो आपके पास इनपुट जो डेटा आ रहा है आपके सिस्टम के अंदर वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो हमने उसका कहा था कि उसके तीन स्टेप्स हैं कि अगर आपने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करना है तो स्टेप तीन कौन कौन से। नंबर वन पे हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और प्लस ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं और हम ये हाइपोथाइज करते हैं कि ओके इट कुड बी पॉसिबल कि ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन है या अनदर डिस्ट्रीब्यूशन है। सो हम उनको हाइपोथाइज करते हैं। द सेकंड स्टेप क्या था, हमने कहा था कि बेस्ड ऑन दैट डेटा हम उनके पैरामीटर की एस्टिमेशन करते हैं और पैरामीटर एस्टिमेशन के लिए हमने दो मेथड्स पढ़े थे, आइदर यू कैन यूज मैक्सिमम लाइक्लीहुड और आइदर यू कैन यूज द मेथड ऑफ मूवमेंट्स। और जो थर्ड स्टेप जो कि हमने पढ़ना मैथड स्टार्ट किया था कि जिसमें हम कह रहे थे कि ओके अब हम उसको टेस्ट करेंगे। सो टेस्ट करने के लिए हमने तीन ग्राफिकल एनालिसिस पढ़े थे, क्यू क्यू प्लॉट पढ़ा था हमने, डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट पढ़ा था और हमने डेंसिटी हिस्टोग्राम प्लॉट पढ़ा था। और लास्टली कल हम लास्ट लेक्चर की हमने अकाई स्क्वायर टेस्ट भी पढ़ा था। आज जो हम टेस्ट पढ़ रहे हैं ये भी गुडनेस ऑफ फिट को ही टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिनमें जो फर्स्ट टेस्ट हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कोल्मोग्रोव सिमरनोव टेस्ट, जिसको हम के एस टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है अब जी ये काई स्केयर से ये किस तरीके से डिफरेंट है, कब यूज किया जाता है, वेदर काई स्केयर बेटर है या ये बेटर है, सो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली आपके पास ये के एस टेस्ट होता क्या है। ठीक है सो बेसिक आइडिया काई स्केयर क्या क्या था, जो बेसिक आइडिया काई स्केयर का था वो वही था जो डेंसिटी हिस्टोग्राम प्लॉट का था। वो क्या था कि हम क्या करते थे डेंसिटी हिस्टोग्राम में कि हम हिस्टोग्राम बनाते थे अपने एक्चुअल डाटा का और उसके ऊपर हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथाइज की थी, मतलब जैसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उसी हिस्टोग्राम के ऊपर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाते थे और हम अपने हिस्टोग्राम को कंपेयर कर रहे थे कि क्या ये उस डेंसिटी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। सो सेम आइडिया बेसिकली काइस्केर टेस्ट यूज करता है। काइस्केर टेस्ट क्या करता है, वो उस बार की और उस जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालता है और वो उस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और उस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को आपस में कंपेयर करता है और ये चेक करते हैं कि उन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है। सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो कि आपके एक्चुअल डेटा से आती है, जबकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है, जो आपकी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वहां से आती है। सो हम बेसिकली उसके डिफरेंस को चेक कर रहे होते हैं। सो जितना वो डिफरेंस कम होगा दैट मीन आपकी वो जो डेंसिटी फंक्शन है वो उतना ही उस डेटा को एक्यूरेटली या प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ अ काइस्केर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, काइस्केर टेस्ट आप कह ले। इज इट क्लियर? राइट ओके सो जो सेकेंड है, अब आज जो हम दोनों टेस्ट पढ़ रहे हैं, वन इज के एस टेस्ट, अनदर वन इज एडी टेस्ट, जिसको एंडरसन डार्लिंग टेस्ट कहते हैं। सो ये जो दोनों टेस्ट हैं बेसिकली ये रेदर देन डेंसिटी फंक्शन को यूज करने के ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज दिस वन, कि हम रेदर देन सिंपल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को यूज करने के हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी फ्रॉम अ पर्टिकुलर वैल्यू से लेस देन। सो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो जनरली आपके पास क्यूमुलेटिव होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही होती है, या फिर ये शक्ल हो सकती है या फिर वो एस कर्व टाइप होती है लाइक दिस। ठीक है सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम जो है बेसिकली के एस टेस्ट और एडी टेस्ट दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज करते हैं।
होता क्या है, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो हमने जो x1 x2 xn है, हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जर्व डेटा है, जिस तरीके से हम काई स्क्वायर में भी ऑब्जर्व डेटा को लेते थे। और हम सबसे पहले ये डिटरमिन करते हैं कि ये ऑब्जर्व डेटा कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, आईआईडी मीन इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। हम क्या करते हैं फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना लेते हैं, ओके, और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, राइट। सो दैट मीन हमारा एच नॉट क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो इस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो कर रहा है। सो इन अदर वर्ड कि आपका जो डेटा है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, राइट ठीक है। सो ओके, सेकेंडली फिर हम क्या करते हैं, ये तो हमने क्या कर लिया, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हाइपोथेसाइज कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है उससे हम अपना इंपेरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इंपेरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेम वही डेफिनेशन है जो हमने क्यूमुलेटिव डिफरेंस प्लॉट के अंदर पढ़ा था, क्योंकि उसके अंदर भी हम क्या कह रहे थे, क्यूमुलेटिव डिफरेंस फंक्शन का डिफरेंस लेते थे जो डेंसिटी फंक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, ठीक है। सो अब एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा कि आप क्या करोगे कि मसलन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वैल्यूज हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू और उससे लेस जितनी होंगी उनको सम कर लेंगे और डिवाइड किसके ऊपर कर देंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है जैसे वो इंक्रीजिंग होता है, इसी तरीके से जो इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो भी इंक्रीजिंग होता है, बट जनरली ये आपको स्टेप वाइज नजर आ रहा होगा, लाइक स्टेप वाइज से मुराद ये है कि ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। कुछ इस तरह का ये जो है वो इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन रहा होता है। अब के एस टेस्ट और ए डी टेस्ट दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इन दोनों के डिफरेंस को बेसिकली चेक कर रहे होते हैं। ये जो क्यूमुलेटिव फंक्शन है कौन सा है, जो कि आपकी एक्चुअल डेंसिटी फंक्शन से आपने वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया है, जिसको हम कह सकते हैं ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। जबकि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये एम्पिरिकल है, जो कि आपके एक्चुअल डेटा से हमने प्रिपेयर किया अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, राइट। सो अब हम कर क्या रहे होते हैं, आइडिया ये है कि हम इस थ्योरेटिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इस ऑब्जर्व्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से डिफरेंस को चेक कर रहे होते हैं। जितना ये डिफरेंस कम होगा इट मीन वो डेंसिटी उतना ही अप्रोप्रिएटली आपके ऑब्जर्व डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, और जितना ये डिफरेंस ज्यादा होता चला जाएगा इट इंडिकेट्स कि वो जो डेंसिटी फंक्शन है वो उस डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रही, राइट। सो जो केएस टेस्ट है ये जिसको हम कोल्मोग्रोफ सिमरनोव टेस्ट कहते हैं, ये इसी चीज को चेक कर रहा होता है, गॉट इट, ठीक है। सो दैट मीन हमारा एच नॉट क्या हो गया, एच नॉट हमारा हो गया के जी जो आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आपके इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के, दिस इज योर एच नॉट। जबकि एच वन क्या हो जाएगा कि आपका जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, दैट इज नॉट मैचिंग विद द एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सो ये आपका एच वन हो जाएगा, ओके ओके। सो अब हम क्या कह रहे हैं, जो हम ये फॉर्मुलेशन करें जो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या, दैट इज दिस वन, ओके। सो आई कह लें या इसको फंक्शन ऑफ कह लें या प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन कह लें। सो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हेल्प लेते हैं ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स की। ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स की हम राद है बेसिकली हम अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, जब हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक अपने डेटा को अरेंज करेंगे और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक है, लाइक फर्स्ट वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो आपके पास पहली ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्रोबेबिलिटी। देन सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज,
तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, अप टू सेकंड ऑब्जर्वेशन आपके पास क्यूमुलेटिव आ जाएगा. सो दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन. सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का क्यूमुलेटिव, सो देन सेकंड का. इसी तरीके से थर्ड में आएंगे तो अप टू थर्ड नंबर तक हम उसको जमा करेंगे और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू पर डिवाइड कर देंगे, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन का हमारे पास अप टू थर्ड ऑब्जर्वेशन तक एम्पिरिकल आ जाएगा, एंड सो ऑन. सो ये हमारे पास स्टेप वाइज आपकी जो एक्चुअल डेटा है जिसको हम कह देते हैं एम्पिरिकल डेटा के अकॉर्डिंगली हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना लिया. राइट राइट सो ये समझ लगी ना कि ये एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे डेवलप करते हैं. जी सर. ठीक है. ओके ओके. सो अब हमने करना क्या है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, सो ये आपका एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन था. अब आपने जो अज्यूम किया हुआ है या जो सपोज किया हुआ है कि सपोज हमारा ये जो डेटा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या ट्राइंगल है या एक्सपोनेंशियल है, हम उसका क्या करेंगे, हम उसका जो एक्चुअल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हम ड्रॉ कर देंगे. राइट like जैसे एक्सपोनेंशियल का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था, 1 - e^(-λx) x. सो हम इसको यूज करते हैं, मीन यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते चले जाओ तो आपके पास एक कॉन्टिन्यूस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा जिसको हम थ्योरेटिकल कहते हैं. ठीक है. ओके तो अब हमने करना क्या होता है, के एस टेस्ट बेसिकली इस चीज को चेक कर रहा होता है कि इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, ये जो डिफरेंस है वो कितना लाइक कर रहा है, और उस डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज दिस वन. कि आप क्या कह रहे हो कि आप अपने इंपिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डिफरेंस चेक कर रहे हो अपने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से. सो जितना ये डिफरेंस जो है वो जीरो होता चला जाएगा. ठीक है. सो दैट मीन ये डिफरेंस टेंस कर रहा हो जीरो को, और एज वेल एज जैसे जैसे आपकी जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी एक्चुअल डेटा को उतना ही बेटर के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है. गॉट इट. ठीक सर. जी सर. ओके सो अब हम इसकी एक एग्जांपल जो है, ये जस्ट इसका फॉर्मूला है, ये इस जो डिफरेंस का फॉर्मूला है ये उसी को एलैबोरेट किया हुआ है बेसिकली, कि हम उसका मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं. आई इज द आईएथ ऑब्जर्वेशन, एन एन इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, एफ ऑफ एक्स आई मीन उस पर्टिकुलर एक्स आई जो आईएथ वैल्यू है वहां तक का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ठीक है. सो उससे हम प्लस वाला डिफरेंस निकालते हैं. माइनस वाला डिफरेंस क्या है कि आईएथ ऑब्जर्वेशन तक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. सो जो इन दोनों में से मैक्सिमम होता है वो आपका डीएन कहलाता है. गॉट इट. राइट. ठीक है. ओके सो अब हम इसी की एक एग्जांपल जो है वो देखते हैं. सो एग्जांपल देखने से पहले ये एक्चुअली इस टेस्ट के अंदर एक ही इशू है कि आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है इसका जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है. लाइक फॉर ऑल पेयर्स मीन जनरली अगर आपने यूज करना है सो यू कैन यूज दिस टेस्ट, और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज सो यू कैन यूज दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक, एक्सपोनेंशियल है तो ये वाला यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन. राइट. Right, और इन द एंड जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है, सो कंक्लूजन ड्रॉ करने का ये मेथड है. सो कंक्लूजन ड्रॉ करने का क्या है कि दो तरीके हैं. एक आपके पास क्या है, क्रिटिकल वैल्यू होती है जो कि हम टेबल वैल्यू निकालते हैं, और एक आपके पास होती है पी वैल्यू. ठीक है. सो दोनों के अकॉर्डिंगली क्या होता है, अब हम जब क्रिटिकल वैल्यू हम निकालते हैं तो हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी टेस्ट स्टेटिस्टिक वैल्यू के जरिए, मीन जो इनके जरिए कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी. अब हम ये कहते हैं कि हम आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे अगर आपका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू है वो लेस देन होगी आपके क्रिटिकल वैल्यू से, या अगर आपने पी वैल्यू के जरिए डिसीजन करना है, अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो लेस देन है आपकी अल्फा वैल्यू से, तो भी आपने अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देना है. राइट. सो दोनों कंडीशन के अंदर
क्या है कि अगर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपकी क्रिटिकल वैल्यू से लेस आया तो आपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देना है. सो एच नॉट को रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपका वो जो डेटा है वो आपकी उस डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा जो आपने हाइपोथाइज की है. सो एक्सेप्ट का क्या मतलब है, दैट मीन कि आपका जो डेटा है वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है. गॉट इट? ओके. सो हमारे पास ये एक एग्जांपल है. मैंने के लिए है जी, हमारे पास 10 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं. सो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होगी, 10. अल्फा मैं ले रहा हूँ 0.05, और मैं ये हाइपोथाइज कर रहा हूँ कि मेरा ये जो डेटा है वो यूनिफॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. सो मीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन 0 to 1, राइट? सो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो राइट नाउ मैं क्या ले रहा हूँ, तो इट मीन मेरा जो एक्स होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, दैट इज एक्स बिटवीन 0 to 1, राइट? राइट, ठीक है. सो ये मेरा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, थ्योरेटिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. सो विच मीन अगर मैं इसको ड्रॉ करूं बिटवीन 0 to 1, तो ये मेरे पास एक लीनियर लाइन आ जाएगी लाइक दिस, ऐसे ही आ जाएगी ना, बिटवीन 0 to 1, राइट जी. ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे अब अपने इस डेटा के जरिए इंपेरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना है. सो इंपेरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, 1/n समेशन i1 to n और x सम ऑफ x i इज लेस देन और इक्वल टू x. दैट मीन फॉर फर्स्ट वैल्यू सिंपल हम क्या करेंगे, इसको 0.049, ठीक है, दैट इज 1. नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास क्या है, 1 है. सो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ वैल्यूज के जरिए, तो आपके पास जो आ जाएगा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा. इसी तरीके से आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है, हमने इस डेटा को सॉर्ट करने के बाद ये वैल्यूज लिखी हुई है. फिर जब मुझे सेकंड वैल्यू तक निकालना है तो देन हम सेकंड वैल्यू तक इन दोनों को जमा कर लेंगे. जमा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पर 10 पर डिवाइड कर देंगे, वो मेरे पास क्यूमुलेटिव एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव आ जाएगा अप टू सेकंड नंबर तक. इसी तरीके से फॉर थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, राइट? ओके. सो अब हमने करना है क्या है, अब हमने जी ये हमारा थ्योरेटिकल आ गया और ये हमारा जो है वो एम्पिरिकल आ गया, राइट? अब हमने ये चेक करना है कि इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है ईच पॉइंट के ऊपर, वो डिफरेंस कितना आ रहा है. जस्ट 5 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं 1 मिनट. ओके, सो हमने क्या करना है, हमने इस डिफरेंस को बेसिकली मिनिमाइज करना है. सो मैंने क्या किया, मैंने रेदर देन तमाम की तमाम वैल्यूज के, मैंने जस्ट जो डिफरेंस चेक किया है वो अप टू दिस नंबर तक चेक किया है. मीन जो इंपेरिकल क्यूमुलेटिव किया है वो अप टू दिस नंबर तक किया है, राइट? जो डिफरेंस हम मैं आपको आगे शो कर रहा हूँ. ओके, सो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है अप एट वैल्यू दिस, वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 0.2485 हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है, राइट? ठीक है. सो आपने किया क्या है, बेसिकली आपने किया ये है कि आपने आपने इस पर्टिकुलर नंबर तक जो है वो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है. सो इस पर्टिकुलर नंबर तक एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे कैलकुलेट किया है, सिंपली हमने इनको जमा किया अप टू दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कर दिया, और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इस नंबर तक आपकी जो जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी वैल्यू को, ठीक है जी, राइट? सो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 0.2485. सो अब मेरे पास डीएन की वैल्यू आ गई है. नाउ आई कैन पुट इनटू द टेस्ट स्टैटिस्टिक.
टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास जो था वो मैंने आपको शो किया. सो वी फॉर ऑल पेयर नोन मीन जब हमारे पास तमाम का तमाम डेटा हमें मौजूद है, हमें मालूम है जैसे इस केस के अंदर है, तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, ये वाला टेस्ट हम यूज कर सकते हैं. वेयर एन इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, सो दीज आर द कॉन्स्टेंट नंबर्स. सो डी एन के जो कि अभी हमने डिफरेंस प्लॉट जो है वो कैलकुलेट की है. ठीक है, राइट सर. ओके, सो हमारे पास जो वैल्यू आ गई आफ्टर कंप्यूटिंग आफ्टर पुटिंग दिस दैट इज 0.8243. ठीक है, ओके. और जो क्रिटिकल वैल्यू हमने कैलकुलेट की है फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.05, वो हमें टेबल ऊपर गिवन है. सो ये जी 0.05 के अगेंस्ट वैल्यू है, दैट इज दिस वन 1.358. ठीक है, सो दैट इज 1.358. ओके, सो हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है इफ इट इज लेस देन हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू हो तो हम क्या कहेंगे, वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, दैट मीन वी कैन एक्सेप्ट द एच नॉट. सो इसका मतलब ये हुआ एक्सेप्ट एच नॉट या वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट का क्या मतलब है कि इट मीन ये जो डेटा है जो हमने हाइपोथाइज किया था कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, सॉरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, सो दैट मीन सो दिस डेटा इज फॉलोइंग द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर, ओके. सो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या हमें केएस टेस्ट मीन कोल्मोग्रोफ टेस्ट को अप्लाई करना चाहिए या काइस्केयर टेस्ट को अप्लाई करना चाहिए. नंबर वन, डिस्क्रीट डेटा एज वेल एज कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए दोनों टेस्ट हम यूज कर सकते हैं. काइस्केयर को भी यूज किया जा सकता है, कोल्मोग्रोफ को भी यूज किया जा सकता है. ठीक है जी, ओके. सो जो डिफरेंस है जैसे मैंने को पहले बताया, काइस्केयर जो है काइस्केयर टेस्ट जो है वो हमारे पास क्या करता है, वो हिस्टोग्राम ऑफ द डेटा मीन डेंसिटी फंक्शन को यूज करता है, जबकि केएस टेस्ट जो है वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और एम्पिरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज करता है. सेकेंडली, जो केएस टेस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है ये आपकी ईच ऑब्जर्वेशन मीन तमाम के तमाम जो डेटा वैल्यूज है उनको यूज कर रहा होता है. ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द केएस टेस्ट. जबकि काइस्केयर के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने उस डेटा को जो है उसके जरिए हम बिन्स बनाते हैं. बिन्स के क्या मुराद है कि आप अपनी क्लासेस बनाते हो या ग्रुप्स बनाते हो. जब आप क्लासेस या ग्रुप्स बनाते हो तो इट मीन आपको ये नहीं पता होता कि इस क्लास के अंदर कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट? ठीक है, सो आप पर्टिकुलर वैल्यू को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जबकि क्यूमुलेटिव के अंदर आप ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर सकते हो. सो दैट मीन केएस टेस्ट के अंदर आप ईच ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जबकि केएस टेस्ट के अंदर आप ईच ऑब्जर्वेशन को डेंसिटी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे होते. सो दैट्स व्हाई कहा जाता है कि काइस्केयर टेस्ट जो है दैट इज अ लेस पावरफुल देन केएस टेस्ट. ठीक है, एज वेल एज काइस्केयर टेस्ट को परफॉर्म करने जो है करने के लिए हमें लार्जर सैंपल साइज चाहिए होता है कंपेयर टू केएस टेस्ट. सो दैट्स व्हाई ये कहा जाता है कि केएस टेस्ट जो है दैट इज मच पावरफुल देन द काइस्केयर टेस्ट. गॉट इट? इज इट क्लियर? जी सर. सो जो केएस टेस्ट है दैट इज मच बेटर देन द काइस्केयर टेस्ट. केस टेस्ट क्लियर है? जी सर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी एडी टेस्ट, जिसको हम एंडरसन डार्लिंग टेस्ट कहते हैं. ओके, सो जो एंडरसन डार्लिंग टेस्ट और केस टेस्ट है बेसिकली ये सेम है. दोनों में डिफरेंस ये है कि जो केस टेस्ट है वो बेसिकली आपकी ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को इक्वल वेटेज असाइन करता है, राइट? जबकि
एंडरसन डार्लिंग या एडी टेस्ट जो है ये मोर वेटेज असाइन करता है टू द टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जो आपकी जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बनाते हैं, सो हमारी ये कर्व है, सो एडी टेस्ट क्या करते हैं, वो इन टेल्स की वैल्यू को हायर वेटेज देता है, बहुत ज्यादा हाई वेटेज असाइन करता है, जबकि इनको कम वेटेज असाइन करता है कंपेयर टू के एस टेस्ट. जबकि के एस टेस्ट में ईच ऑब्जर्वेशन को हम इक्वली वेटेज असाइन कर रहे होते हैं. क्लियर? ओके, सो दैट मीन्स कि अगर आपके पास कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस हो जिनकी टेल्स बहुत ज्यादा लॉन्गर हो और आप कहें कि उनकी जो टेल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लाइक जैसे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जैसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सो ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिनकी टेल काफी लॉन्गर है और वो काफी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है ना, स्क्यूड टाइप ऑफ कर्व. सो वहां पे अगर आप कहें कि इसकी टेल की जो इम्पोर्टेंस है वो काफी अच्छी है, सो दैट मीन वहां पे एडी टेस्ट जो है वो हम प्रेफर कर सकते हैं कंपेयर टू कोल्मोग्रोव टेस्ट. राइट? ओके राइट. ओके, सो जो तरीकेकार है एडी टेस्ट का, अगेन ये भी सेम उसी थ्योरेटिकल डेफिनेशन पे चलता है जैसे आपके पास जो है वो के एस टेस्ट चल रहा होता है. इसमें भी हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने थ्योरेटिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कर रहे होते हैं अपने इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जरिए. ठीक है, ओके, सो दिस इज द बेसिकली द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो हम यूज कर रहे होते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के बाद बेसिकली हम एडजस्ट इस ए को एडजस्ट भी करते हैं, और वो हर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली इसका फार्मूला डिफरेंट है. ठीक है, और देन हम उसकी फिर क्रिटिकल वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं. सो लेट मी शो यू द फार्मूला फॉर डिफरेंट. सो ये वाला ए स्क्वायर वाला फार्मूला सबके लिए सेम है, बट ए स्टार का फार्मूला मीन एडजस्टेड ए स्टार का फार्मूला हर एक के लिए डिफरेंट है. So for normal distribution, the formula for critical value is this. जबकि A star adjust करने के लिए normal distribution के लिए हम ये वाला formula use करेंगे. Exponential के लिए ये वाला formula है, gamma के लिए ये वाला formula है, और एक हमारे पास extreme distribution होती है उसके लिए formula ये है. Okay, but जो AD test के साथ problem है, ये हम सिर्फ और सिर्फ continuous टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन कॉन्टिन्यूस डेटा के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, ये टेस्ट डिस्क्रीट डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता. क्लियर? ठीक है जी. ओके, सो एडी टेस्ट के लिए जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, अगेन जैसे मैंने को पहले बताया, हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका सेपरेट टेबल है. For normal distribution, this is the table for checking the critical value. For exponential, ye table hai, isi tarike se for gamma, ye table hai, and so on. So every distribution ke liye aapke paas ek separate critical value table hota hai. So let me give you the example. Jaise for example, main ye test kar raha hu ki mera ye jo data hai, jo ki 26 observations hain. मैंने ये हाइपोथेसाइज किया ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद मीन दिस एंड विद स्टैंडर्ड डेविएशन दिस. राइट? और मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली अगेंस्ट ईच वैल्यू. ठीक है जी. सो वी नो the cumulative distribution function of the normal distribution. So aap kya karoge, every time uske andar pehli x ki value put ki, so that is equal to this. Second x ki value put ki, that is equal to this. Third humne x ki value put ki, that is equal to this, and so on. Theek hai ji. Okay, jo second basically formula ke andar hai, ek to hame distribution function ki value chahiye, ek hame इसकी ऑपोजिट का क्या मतलब है, बेसिकली हमने इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है.
मीन जो लास्ट वैल्यू है वो हमने सबसे पहले लिख ली, जो उसके बाद वैल्यू उसको हमने उसके बाद लिख ली, एंड सो ऑन। और अब हमने क्या कर दिया, अब हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया विच इज ए स्क्वेयर फार्मूला, दैट इज 2i-1, आई इज मीन आईथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एल एन एफ ऑफ एक्स आई दैट इज इक्वल टू दिस, और एल एन 1-दिस दैट इज 1-दिस। सो आपके पास जब हमने इसको सम किया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो हमें इसके अकॉर्डिंगली जो है वो ए स्टार को कैलकुलेट करना है। सो ए स्टार कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू दिस वन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं हम बेसिकली अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को एडजस्ट कर रहे हैं। सो ए स्टार का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वेयर वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की, वन इज कॉन्स्टेंट प्लस दीज वैल्यूज आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे क्या एन, ठीक है। सो बेसिकली हमने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पीछे कैलकुलेट किया उसको हमने एडजस्ट कर दिया। सो बेसिकली जब हमने क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करना है तो हमने इस ए स्टार वैल्यू को कंपेयर करना है। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0.932। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो हमने बेसिकली क्रिटिकल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया कि क्योंकि हम जो टेबल यूज करें वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, सो एट अल्फा इज इक्वल टू 5 हमें जो वैल्यूज चाहिए वो हमें ए अल्फा बीटा नॉट और बीटा वन, बेसिकली ये कहाँ से आ गए, ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर द क्रिटिकल वैल्यूज का, दिस वन, दिस वन। सो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, बीटा नॉट की वैल्यू चाहिए और बी वन की वैल्यू चाहिए। सो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम हेल्प ले रहे हैं किसकी, इस टेबल की। सो जिसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सी है, ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है। सो जिसमें अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा नॉट की वैल्यू क्या है और बीटा वन की वैल्यू क्या है। सो इनको हम पुट करके अकॉर्डिंग टू अपर फार्मूला, सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वैल्यू एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05 व्हिच इज दिस, ठीक है जी। अगेन आपके जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो क्या है, राइट सर, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमारे पास है जी 0.932, जबकि आपकी क्रिटिकल वैल्यू क्या आई है, दैट इज 0.727। सो हमने ये कहा था कि अगर आपके टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू लेस देन होगी तो हम एच नॉट को जो है वो एक्सेप्ट, एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे, बट अब यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर आ रही है, सो दैट मीन वी कैन नॉट एक्सेप्ट द एच नॉट। सो एट अल्फा इज इक्वल टू 5% वी विल कंक्लूड दैट डेटा इज नॉट फॉलोइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। सो इसी टेस्ट को मैंने क्या किया है, हमने क्या किया है, हमने दोबारा से परफॉर्म किया एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मीन रेदर देन 0.05 के क्रिटिकल वैल्यू निकालने के, अब हमने 1% के ऊपर क्रिटिकल वैल्यू को निकालना है। सो जब मैंने 1% पे क्रिटिकल वैल्यू को कैलकुलेट किया वो आ रही है 0.994, ठीक है। सो मेरे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या है, 0.932, जबकि जो मेरे क्रिटिकल की वैल्यू है वो है 0.994। सो अब मेरे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू इसके ऊपर लेस है, सो इट मीन एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर मेरा जो एच नॉट है वो एक्सेप्ट हो रहा है। सो दैट मीन एट 1% के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ मेरा जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, राइट। सो दैट यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो चेंज करके भी चेक करना चाहिए। सो दैट मीन अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, दैट मीन्स वी वुड से कि आई एम 99% कॉन्फिडेंट दैट दिस डेटा इज फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर वही जब 95 पे जाता है तो फिर वो नॉर्मल नहीं रहता। वो नॉर्मल नहीं रहता, उसके ऊपर हमारा टेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। इट मीन आप जब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखते हो तो उस वक्त वो कहते हैं कि नॉर्मल नहीं है,
जबकि 1% के ऊपर वो कहते हैं कि नॉर्मल है. सो दैट मीन मोर एक्यूरेसी आ गई. ठीक है जी. ओके सो इज इट क्लियर के एस टेस्ट एज वेल एज ए डी टेस्ट. ओके अब जरा काइंडली मैंने जो आपके साथ शेयर किया था सॉफ्टवेयर इजी फिट उसको जरा ओपन कीजिएगा. Rights. उसको ओपन कीजिएगा और जो मैंने आपके साथ एक्सेल शीट एक शेयर की थी इसी लेक्चर में उसका जो कॉन्टिन्यूस डेटा वाला है उसको जरा ओपन कीजिएगा. लेट मी शेयर विद यू स्क्रीन. स्क्रीन नजर आ रही है ना ये वाला डेटा जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ. जी जी सर. उस एक्सेल डेटा को इसमें कॉपी पेस्ट कर लें. एक्स अच्छा ठीक. जी कर लिया. जी सर. सर एक्चुअली मेरी फिर ओपन नहीं हो रही. लास्ट टाइम मैंने एडिंस एनेबल की तो वो फिर कह रहा है एडिंस एनेबल. नहीं आप एक्सेल वाला ना ओपन करें. आप वो सॉफ्टवेयर ओपन कर लें. ड्रॉपबॉक्स. अच्छा जी. ड्रॉपबॉक्स में मैंने सॉफ्टवेयर भी तो रखा हुआ है ना. आपने करना जी, क्या है कि आपने आप जरा ड्रॉपबॉक्स में जाएंगे तो जी. जो हमारा मॉडलिंग एंड इनपुट में है उसके फाइल में जाएं. क्रैक वाले फोल्डर में आएं. जो इजी फिट डॉट एक्सी है उसको कॉपी बेशक कॉपी करके आप अपने डेस्कटॉप पे रख लें और उस पर डबल क्लिक कर दो. ओके जी जी ठीक जी सर. जी आसपा बच्चे आपसे हो गया ओपन. ओके और डेटा आप कॉपी पेस्ट कर लिया आपने. जो मैंने आपके साथ एक्सेल फाइल शेयर की थी ना एग्जांपल वन कंटीन्यूअस डेटा जस्ट आपने उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है. Okay. जी हो गया. ओके अब देखिएगा कि बेसिकली ये जो इजी फिट सॉफ्टवेयर है ये जो हमने आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये जो हमने पिछले कुछ 3-4 लेक्चर्स के अंदर किया है ये सारा कुछ आपको कैलकुलेट करके देगा. ठीक है. अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है सो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपको जस्ट रिजल्ट्स को पढ़ना आना.